आज हमारे पास है सैमसंग का M12 मॉडल, और इसमें चार्जर लगाने पर कुछ इस तरह से टेंगल बन जाता है जिसको हम कहते हैं चार्जिंग टेम्परेचर एरर। तो दोस्तों ये मॉडल जो है सैमसंग का M127G मॉडल है, और इसमें ये दिक्कत डिवाइडर सर्किट के ख़राब होने पर आती है। इस डिवाइडर सर्किट के अंदर एक थर्मिस्टर लगा होता है, जब वो ओपन हो जाता है या शॉर्ट हो जाता है तब ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है। तो आज के आप वीडियो में देखेंगे किस तरह से इसको रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर फ़ोन मैंने पहले ही खोल रखा है और सीसी पत्ते के अंदर ये सर्किट लगा हुआ है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं मीटर से चेक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ये थर्मिस्टर है जो जिसकी वैल्यू 0 यहाँ पर शो हो रही है, यानी कि ये जो थर्मिस्टर है ये ख़राब है। और इसके जो पीछे रजिस्टर लगा हुआ है उसकी वैल्यू लगभग 184 के आसपास शो हो रही है, 184 के। तो दोस्तों ये डिवाइडर सर्किट है और यहाँ पर इसका रजिस्टर ठीक है, और थर्मिस्टर जो है वो ख़राब हो चुका है वाटर डैमेज की वजह से या किसी और वजह से। तो सबसे पहले हम यहाँ पर इसका ग्लू साफ़ करेंगे, इस पर ग्लू लगा हुआ है, ग्लू रिमूवर से इसको साफ़ कर देंगे, और इसके बाद हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो थर्मिस्टर बहुत सारी पीसीबी में लगा हुआ होता है, अदरवाइज सीसी पत्ते में से भी आप ले सकते हैं इसको। और इसकी जो वैल्यू है वो 62K है, इससे पहले भी मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुका हूँ इस मॉडल के अंदर। किस पार्ट की कितनी वैल्यू है सेमिस्टिक डायग्राम से पता कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया है, और अब हम इसकी टिप्स को सोल्ड करके तो यहाँ पर मैंने इसको निकाल लिया था, और निकालने के बाद अब मैं इसको रिप्लेस करूँगा दूसरे थर्मिस्टर से जिसकी वैल्यू है 62K। यहाँ पर मशीन की हीट मैंने कर रखी है 300C, और एयर है 2, बहुत ज़्यादा हीट यूज़ नहीं करनी है, अदरवाइज़ बहुत हल्का सीसी बोर्ड होता है ये, ख़राब हो सकता है। यहाँ पर ये लग चुका है, और अब हम इसको क्लीन कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू 62K शो हो रही थी। यहाँ पर मैं शोल्डर मास्क अप्लाई कर दूंगा। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पेस्ट लगा हुआ था इसलिए यहाँ पे पेस्ट लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये दिक्कत बहुत जल्दी आ जाती है दोबारा। यूवी लैम्प से इसको मैंने सुखा दिया है, अब हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है नहीं हुई। तो दोस्तों मैं इस तरह की वीडियो बनाता रहता हूँ, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर अपलोड करता रहता हूँ। अगर आप वहाँ पर हो तो प्लीज़ मुझे लाइक और फॉलो ज़रूर कीजिएगा, और यूट्यूब पर न्यू है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पर मैंने चार्जर लगा दिया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब वो ट्रायंगल नहीं आया, चार्जिंग एरर नहीं शो हुआ। यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।